है शॉप पे। और पिछले कल व्लॉग डाला था मैंने कि फैमिली वाले वापस आ गए और क्या क्या लाया है, उस पर सबका ये था कमेंट था कि गिफ्ट्स, मैंने बोला था कि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो दिखाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम कमेंट्स ही गिफ्ट्स के लिए था, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी गिफ्ट्स, मतलब कि जो जो घर वाले लेके आए, तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, पहले घर बच्चों का, फिर मेरा, और उसके बाद जो शॉप के लिए लाया है वो भी दिखाऊंगी। तो शॉप पे भी, मतलब शॉप के लिए भी मैंने मंगवाए थे चंडीगढ़ से, मम्मी ने वीडियो कॉल में दिखाया था, तो ये मंगवाए थे, और बाकी प्लस मम्मी ने भी खुद से बुने हुए जो मंगवाया उससे ज़्यादा मम्मी के हाथों से बुना हुआ ज़्यादा बेटर है, बहुत सुंदर लगा। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या लाया, बाकी आप कमेंट करके बताना, पहले देख लो फिर जाके हम बात करते हैं थोड़ी देर में। विहान अभी तैयार होकर जा रहा है, तो आज जो गिफ्ट्स दिखाने थे उसमें से एक इसने पहने भी है, तो मैं अभी उसका दिखा रही हूँ बाद में। हाँ खड़े, तो विहान को, विहान के लिए ये लोअर लाए थे, इधर जाओ, तो ये वाला लोअर लेके आए थे, पतला है, और इसके अंदर इसने टी शर्ट पहना हुआ है वो, और ये स्वेटर्स मम्मी ने बनाए हुए दोनों के लिए, हाईनेक वाले स्वेटर देखा, तो विहान इधर आओ, इधर देखो, तो ये वाले स्वेटर जो है मम्मी ने बनाए, सेम विहान का भी है ऐसा। और बाकी जो और शॉपिंग है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि विहान अब शाम तक ही आएगा, तो मैं जो ये पहन के जा रहा है वो दिखा रही थी, तो ये सब कुछ। तो अभी विहान का मैंने आपको दिखा दिया, विवान का भी दिखा देती हूँ क्योंकि इनको पहनाऊंगी तो बाद में नहीं दिखा पाऊंगी। बाकी जो सारी शॉपिंग है वो मैं आपको, मतलब जो जो शॉपिंग है, मतलब जो जो गिफ्ट्स आए वो आपको मैं बाहर दिखाऊंगी, जो भी पहनाने वाली हूँ बच्चों को वो दिखा रही हूँ मैं। तो ये है विवान का नाइट सूट ये, और इसका पजामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, विहान की तरह ही छोटा छोटा सा। तो ये है विवान का नाइट सूट, अभी पहनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो विहान ने तो अपना पहन लिया है, उसने अपना नाइट सूट तो नहीं पहना क्योंकि वो जा रहा है, विवान नहीं जा रहा है, तो विवान को मैं अभी नाइट सूट पहनाऊंगी, और बाकी जो है गिफ्ट वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वाला अपना नाइट सूट पहन चुका है, कैसे लग रहा है नाइट सूट, नाइट सूट में कैसे लग रहा है नाइट सूट में। तो फाइनली आ गई हूँ, और जब सोच रहा हूँ बहुत मोटी हो गई हूँ ऐसे तो, और पहले मैं आपको यहाँ पे विहान और विहान के कपड़े दिखाऊंगी, फिर अपने कमरे में जाके अपने दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक जगह इकट्ठे करके सारा नहीं दिखा सकती, क्योंकि आज शाम को धामा जी भी आने वाले हैं घर में, तो बहुत सारा काम भी है मुझे, तो फटाफट से दिखा देती हूँ। तो पहला है ये विवान का स्वेटर ब्लैक कलर में, सेम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया विहान का, तो वैसे ये सेम है विवान का भी ब्लैक कलर का स्वेटर, जो मम्मी ने, मम्मी खुद ने, मतलब मम्मी खुद स्वेटर्स बुनते बहुत सुंदर सुंदर। तो ये हाईनेक वाला स्वेटर है ये वाला, तो ये है विवान का। फिर ये है विहान का जैकेट ब्लैक कलर में, हाफ जैकेट है विहान का ये, और ये विहान का जैकेट, तो फटाफट से दिखा रही हूँ, विहान का जैकेट ब्लैक कलर का ये, और एक है वाइट कलर में विहान का है, विवान ने अपना हाफ जैकेट पहना हुआ है अभी, और ये है ये घर बनाने के, तो ये विहान का वाइट जैकेट, और इनके कॉमन कपड़े हैं ये वाले, ये शर्ट है, और ये टी शर्ट, टी शर्ट, और ये शॉर्ट्स। तो ये विहान का सेम विवान का भी है, विहान विवान दोनों का सेम है, पता नहीं कौन सा वाला किसका है, कलर सेम है, तो सिर्फ साइज़ छोटा और बड़ा बस, बाकी सेम सेम ही है, ये शर्ट और टी शर्ट, और टी शर्ट शर्ट जो भी बोलते हैं यार, पता नहीं मैं लास्ट मोमेंट पे पूरा याद रखती हूँ कि हाँ टी शर्ट या शर्ट है, फिर लास्ट मोमेंट पे भूल जाती, शर्ट नहीं टी शर्ट है, टी शर्ट। तो ये दोनों का सेम सेम ये लाया, और ये है विहान का लोअर, एक ग्रे कलर में था जो उसने सुबह पहना था, ये तो एक ये है मरून कलर में, तो ये ग्रे वाला ज़्यादा सुंदर था इससे ये, और विवान का नाइट सूट आपने देख लिया, और ये है विहान का नाइट सूट ये, और ये इसका पजामा। तो ये नाइट सूट है विहान का, विहान के इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग नहीं है, विवान के उसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग थी, तो विवान का ज़्यादा सुंदर है, पर ये भी अच्छा है, बट वो ज़्यादा सुंदर था। तो ये हुए बच्चों की गिफ्ट्स, और ये मम्मी और विहान की बुआ दोनों ने लाए, अब मैं किसने क्या लाया वो तो नहीं बता सकती ना, तो मुझे खुद को भी नहीं पता किसने क्या लाया, तो मतलब चंडीगढ़ से ये आया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। तो ये हुआ बच्चों का, बाकी और भी लाए थे वो पहन दिए दोनों ने, तो मैंने आपके साथ आगे आई थिंक वीडियो आगे पीछे जैसे भी शेयर किया होगा, तो वो बाकी फटाफट से तय करते, और अब आपको अपने कमरे में ले चलती हूँ और वहाँ पर दिखाती हूँ। और हाँ एक और चीज़ तो भूल गई, विवान के लिए एक और छोटू सा स्वेटर बनाया था मरून कलर में, पहले भी था उसके पास, पर वो बुनती वाला था, ये बिना बुनती के प्लेन में है, और ये बिल्कुल विवान को मतलब परफेक्टली फिट हो रहा है, वो अभी छोटे मतलब पिछले कल उसने डाला भी था, ये बिल्कुल छोटा सा है उसी के साइज़ का, तो बहुत सुंदर है, ये भी मरून कलर में, बट आपको पता है
कैमरे में कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं दिखती है। तो ये मरून कलर में पिछले कल डाला भी था उसने, तो एक ये लास्ट स्वेटर ये बचा हुआ था, तो बहुत सुंदर है, छोटे छोटे स्वेटर है। और शॉप पे भी है, शॉप पे क्या क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि शॉप पे भी बहुत कुछ लाया है सामान। तो वहाँ पे भी मम्मी ने अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, बाकी ये सब कुछ। और अब ले चलती हूँ आपको मेरे कमरे पर। अभी मैं अपने कमरे में, और क्या हो गया ना मेरे साथ कि मेरा रिंग लाइट जो है वो टूट गया कि बच्चों ने तोड़ दिया, ऐसे तो टूटना नहीं था। तो मेरे को अब कहीं ना कहीं फ़ोन टिका के बनाना पड़ रहा है, तो फ़ोन मैंने बिस्तर पे टिका दिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा क्या क्या। और हाँ, विवान ने जो पहना है ये विवान का जैकेट, जो विवान ने पहना है ग्रीन कलर का। पहले मैं दीपक का दिखाती हूँ। तो दीपक का ये शर्ट है, शर्ट इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, पर ये मरून कलर है और ब्लू कलर का ये शर्ट है। और ये शर्ट ये हो गया एक्सक्यूज। और ये है लोअर दीपक का पेंट। दीपक को भी चंडीगढ़ से आते टाइम ही दिया था, बट अभी तक भी दीपक ने उसको छोटा नहीं किया हुआ। तो ये है लोअर दीपक के लिए पेंट एंड शर्ट एंड लोअर एंड ये टी शर्ट तो वो हो गया टी शर्ट ऐसे राउंड नेक में बटन वाला पीच कलर में है। तो ये है दीपक का, बहुत फटाफट दिखा रही हूँ क्योंकि विवान ना आज बहुत किसी के पास कुछ नहीं बन रहा है, तो इस करके। तो ये हो गया दीपक का, तो इतना ये दीपक का है। और अब बताती हूँ मैं आपको अपना। तो ये मेरा लोअर है, नो, तो ये लोअर मेरा है ऐसे स्टार बने हुए। तो ये वाइट कलर में है और इसमें वाइट के क्रीम कलर में है। तो ये हो गया एक मेरा। उसके बाद है ये सूट, ये भी वाइट कलर में है। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो मन बोलो, दरवाज़ा रोशनी पड़ रही बहुत ज़्यादा। तो ये है सूट, दिखाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये सूट इतना नज़दीक आके दिखाती हूँ। तो ये वाइट कलर में सूट है ये, इस तरीके से। तो ये हो गया सूट और इसका सलवार, दरवाज़ा बंद करती हूँ। और ये है सलवार वाइट कलर में और सेम प्रिंट में है स्टॉल। तो ये हुआ सूट। और सेकंड है कुर्ता सेट, सेम मेरे ने अपने लिए भी लिया है और मेरे लिए भी सेम ही है। तो ये है कुर्ता, अंदर आ जाओ। तो ये कुर्ता यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वो है चमकीला टाइप का, तो ऐसे दिखाती हूँ। तो ये कुर्ता लंबा भी है, प्लस इसको प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं और पेंट के साथ भी। तो ये हो गया कुर्ता इस तरीके से। और इसके साथ है ये वाइट कलर का प्लाजो, बहुत वो है अच्छा है, स्ट्रेचेबल है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से भी स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया कुर्ता सेट। और उसके बाद आता है ये जीन्स, और ब्लैक कलर में ही है, ब्लैक ब्लू जैसा दिख रहा है। तो ये है पैंट, ये खुला है नीचे से पूरा। तो एक ये पैंट लाए और कुर्ते के साथ पैंट भी पहन सकते हैं, प्लाजो भी पहन सकते हैं। तो ये मेरा पैंट है। और एक और चीज़ विहान ले गए अपने साथ बाहर, और एक है ये हैंडबैग, ये वाला तो बड़ा है, काफ़ी सारे सामान आ जाएंगे तो कैरी करने के लिए बहुत अच्छा। तो मुझे हैंडबैग बहुत पसंद है वैसे भी, तो मेरे हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो ये हो गया, तो ये सब चीज़ें जो वो लोग मेरे लिए और दीपक के लिए और भी बच्चों के लिए लेके आए और पापा वालों के लिए आए, पर वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो पापा को दे चुके हैं। तो ये सब चीज़ें, और पिछले बार जब हम गए थे तो हम अपने लिए शूज़ वगैरह पेंट वगैरह दीपक उस टाइम ले आए थे, तब मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये सब गिफ्ट्स आए हमारे लिए, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिलहाल तो मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिस दिन पहनूंगी उस दिन टाइटल ज़रूर डालूंगी। तो ये बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, और अब आपको मैं आप शॉप में ले चलती हूँ, शॉप में दिखाती हूँ कि क्या क्या है शॉप में। मेरे इतने सारे ढेर सारे सेट्स, और सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सॉक्स इनके, तो ये राउंड नेक में ग्रीन कलर में, और ये तो छोटू सा सेट है, मतलब कि ये आएगा अराउंड 6 मंथ्स के बेबी को आ जाएगा, इतना है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ग्रीन कलर। उसके बाद ये सबके टोपियाँ जो इधर उधर हो गए, ये मैं बाद में देखूँगी। और ये कोटी है, ये सब मम्मी और मासी ने बुना हुआ है,
तो इस बार मासी भी चंडीगढ़ गए थे, मम्मी की बहन, तो मम्मी और मासी ने बोला बहुत ही सुंदर है ये वाला भी पीच कलर में, और यहाँ पे क्रीम कलर में है ये स्वेटर, ये भी राउंड नेक में ही है, हाई नेक नहीं है बट राउंड नेक में, और बहुत ही सॉफ्ट तक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे ऐसा सेट मिलना पॉसिबल नहीं है, बट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब क्वालिटी ना इतनी अच्छी, चंडीगढ़ से ही धागे लिए थे मम्मी ने और फिर वहाँ से बना के लाए शॉप के लिए, तो ये भी सेम है। उसके बाद ये वाला कलर बहुत ही यूनिक सा अलग सा ही है, ये भी बहुत सुंदर है। उसके बाद ये सारे सॉक्स और ये आ गए, और इसके बाद ग्रीन कलर में हाई नेक भी था और ये कोटी भी है, और छोटी छोटी सी कोटियाँ क्योंकि विवाह के टाइम में भी मम्मी ने ऐसे ही कोटियाँ बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसके बाद पिंक कलर में मुझे पहनते देखा होगा आपने, पिंक कलर में कोटी, बस उसी का छोटा वाला वर्जन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद एक ब्लू कलर में और राउंड नेक में ही है, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसके बाद अगेन एक ब्लू कलर में यही है राउंड नेक में, पर इसका नेक जो है वो छोटा है, गोल है, मतलब राउंड में ये थोड़ा हाई नेक टाइप में ये थोड़ा सा ऐसा है, तो ये हो गया। और एक ये हो गया, ये भी सुंदर ही है। शॉप पे जो है कस्टमर आ गए थे तो मैं बंद कर दिया, बाकी एक ये वाला सेट है, और मुझे ना सच बताऊँ ना ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि ना इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब दो अलग कलर में, क्योंकि ऐसा ना धागा बच चुका था तो मम्मी ने ऐसे बनाया, बट जैसे ही बनाया ना मतलब धागा बच के, पर ये लग बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका कलर ना बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो ये अब यहाँ अंदर है, ये हुआ, ये तो हुए बॉयज़ के, बॉयज़ गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं, मतलब कोटियाँ भी है इसमें, ये है फ्रॉक। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ, फिर इसको दिखाती हूँ। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर और भी है अभी बहुत सारे, यहाँ पे भी पीच कलर में हाई नेक है, राउंड नेक वाला स्वेटर है, अब मुझे लगा इसमें इतने ही बचे, पर बहुत सारे मम्मी ने बहुत बुने बहुत ज़्यादा। तो एक ये पिंक कलर में हाई नेक स्वेटर, मतलब राउंड नेक स्वेटर है, इसके सॉक्स और इसकी टोपियाँ, और इसके बाद आता है यहाँ पे ये वाला सा फ्रॉक वाला, तो ये है क्रोशिया से बनाया हुआ फ्रॉक, और इसमें वो लगे हुए मोतियाँ लगे हुए, और यहाँ पे रिबन एंड बटन, तो ये कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ऐसे रख के दिखाती हूँ। तो ये वाइट फ्रॉक, और सेकंड मतलब 3 साल तक के बच्चों के लिए, छोटे भी है बड़े भी है, तो एक ये हुआ, और एक ये रेड और पिंक कलर में भी है, रेड पिंक येलो, और इसके बाद एक वाइट कलर में है, सेम पैटर्न है, कलर अलग है जैसे स्वेटर्स के थे, तो रेड ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये और एक और भी है बहुत सुंदर है, येलो ऑरेंज सॉरी ऑरेंज और वाइट कलर में, तो बहुत ये वाला तो बहुत सुंदर है, ये 1 साल के बच्चों के लिए, पर भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी वरना मैं अपनी बेटी को ज़रूर बनाती ये। और इसके बाद है एक रेड कलर में, ये भी बहुत सुंदर है, तो ये हाथ से बुने हुए हैं, जो सरदारों ने बुने गए वैसे पंजाबियों के, तो वहाँ से लाए हैं, मैंने मंगवाए थे यहाँ शॉप के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो एक ही कलर हो गया, कलर ख़त्म ही नहीं हो रहा इतने सारे सेट हो गए, तो आना तो इसने बहुत पहले था पर कोई आया नहीं, मिला ही नहीं पहुँचने यहाँ लाने वाला। एक ये ब्लू कलर में है, और अभी तो बहुत है यार यहाँ से अंदर, और एक ये है और भी है और भी है, और एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर में बहुत सुंदर है, तो ये ब्लैक एंड वाइट। अगर किसी ने मंगवाना है अपने घर पर, अगर आपकी बेटी है, तो मुझे मैसेज कमेंट करना, मैं आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भिजवा दूँगी, क्योंकि कई लोगों को पसंद आता है बट वो ले नहीं पाते, तो इस करके आप मुझे अपनी बेबी का एज बता देना, मैं भिजवा दूँगी आपको। बाकी ये वाला छोटा सा बहुत सुंदर है, आई थिंक 6 मंथ्स से 1 साल के बच्चों को आ जाएगा, बहुत ही क्यूट है। तो ये वाला इतने सारे सेट्स हो गए, मैं इसको डालती हूँ और फिर दिखाऊंगी। ये आपने सारा गिफ्ट्स वगैरह जो भी है, शॉप का सामान सब कुछ, तो आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे कल डेली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कल क्या रहेगा, कोई आइडिया नहीं है कल का, बाकी अभी तो फिलहाल लामा जी आने वाले हैं और लामा जी का काम होने वाला है, और आज 12 तारीख है और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और दीपक गए लामा जी को लाने के लिए, और विहान और मेरी ननंद और उनके फ्रेंड वो गए हैं घूमने के लिए, और विवान है मम्मी पापा के साथ नीचे, और मैं वो शॉप पे, तो एक सहूलियत हो गई है, मतलब
सहूलियत वाली बात मैं कल बताऊंगी, जो भी है कल का डेली ब्लॉग शेयर करूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।